हे फ्रेंड्स, मैं अनीस और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक खास चीज़ पे डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आप लोग एक पबजी के जो लाइव स्ट्रीम करते हो या फिर पबजी के गेम प्ले अपने यूट्यूब पे डालते हो और आप लोगों का मोनेटाइजेशन इनेबल है तो संभल जाइए दोस्तों। पबजी ने की है वो यार काफ़ी कमीनेपन की वाली हरकतें, और मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ पबजी के बारे में कुछ। तो दोस्तों, मैंने जो आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, इसी वीडियो पर मेरे को आया था कॉपीराइट स्ट्राइक। और दोस्तों, पबजी के गेम प्ले भी पे भी कॉपीराइट स्ट्राइक दे रहा है पबजी। अगर आप अपने यूट्यूब चैनल पर पबजी का कोई भी गेम प्ले का वीडियो डाल रहे हो और उसके अंदर जो पबजी के कुछ साउंड एडिट हैं तो आप लोगों के यार बेशक कॉपीराइट स्ट्राइक मिलेगा। मैं आप लोगों को अभी विद प्रूफ दिखाने वाला हूँ। और पबजी मतलब कॉपीराइट स्ट्राइक मतलब अर्न जो जो सेकंड वाला ऑप्शन होता है, एक तो कॉपीराइट स्ट्राइक में आपका जो कंटेंट होता है उसको रिमूव करवा दिया जाता है, या और सेकंड है जो आपकी एडसेंस अर्निंग होती है उसको शेयरिंग का होता है। तो पबजी वाले अब अर्निंग जो शेयरिंग वाली जो कॉपीराइट है वो दे रहे हैं। अगर आप लोग पबजी का कोई भी कंटेंट अपने मतलब गेम प्ले यूट्यूब पर डाल रहे हो और उसके अंदर कोई भी वॉइस आ रहा है, मतलब पबजी के अंदर जैसे कि हम कार में बैठते हैं तो जो सॉन्ग आता है तो उस सॉन्ग पे कॉपीराइट स्ट्राइक दिया है मेरे को। और आप लोगों को मैं दिखाता हूँ किस तरह से क्या हुआ है। तो दोस्तों, ये देखिए, मैंने यहाँ पे एक पबजी का गेम प्ले अपलोड किया था। ये मेरे द्वारा खेला गया गेम प्ले और इसके अंदर मैंने 18 किल किए हैं और दूसरा मेरा दूसरा चैनल है। और आप लोग अभी ये देखिए कि यहाँ पे इन्होंने मेरे को कॉपीराइट स्ट्राइक दिया हुआ है। और कॉपीराइट स्ट्राइक जो गाड़ी में बैठते हैं तो वो एक गाना बजता है ना, उसकी वजह से इन्होंने मेरे को कॉपीराइट स्ट्राइक दिया है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, देखिए। तो अभी वो गाना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे, तो इसकी वजह से इन्होंने मेरे को कॉपीराइट स्ट्राइक दिया। और कॉपीराइट स्ट्राइक मतलब मेरे जो एडसेंस अर्निंग है उनको क्लेम करने का, मतलब इन्होंने मेरे को कॉपीराइट स्ट्राइक दिया। तो दोस्तों, अब पबजी कुछ इस तरह की हरकतें कर रहा है यार। और यार, मैंने अपनी मेहनत से एक गेम प्ले डाला है यहाँ पे तो उस पर इन्होंने मेरे को कॉपीराइट स्ट्राइक दिया। लेकिन यार, लोग पबजी को हैक करना सिखा रहे हैं, पबजी की हैकिंग लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं, तो पबजी उन लोगों के साथ कुछ नहीं कर रहा। तो बस यही है यार पबजी की सच्चाई। और दोस्तों, अगर आप लोग भी पबजी का गेम प्ले अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रहे हो और आप लाइव स्ट्रीम कर रहे हो तो यार वो जो गाड़ी वाला म्यूज़िक है उसको म्यूट कर दीजिए, नहीं तो पबजी कॉपीराइट स्ट्राइक देता है और कॉपीराइट स्ट्राइक में आपका कंटेंट रिमूव नहीं करेगा और आपकी मतलब उस कंटेंट से जितने भी अर्निंग होगी वो उसको शेयर कर लेगा। तो यही था इस वीडियो में। और आई होप यार, मैंने सोचा कि यार काफ़ी सारे मेरे यूट्यूबर भाई हैं जो यार पबजी से कंटेंट रिलेटेड कंटेंट बना रहे हैं और उनके यार अच्छे खासे सब्सक्राइबर हैं, तो यार पबजी की अब पैसों की भूख कुछ इतनी बढ़ चुकी है कि यार एक जो अच्छा यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर है उसकी जो अर्निंग पे भी अब ये नज़र डाल रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि यार, क्योंकि यार रॉयल पास तो अब लोग खरीद नहीं रहे हैं, या खरीद रहे हैं तो मतलब उससे दिन का पेट नहीं भर रहा। और अब यार हम लोग जो मेहनत करके एक सबसे पहले यार गेम प्ले रिकॉर्ड करो, उसको खेलो, और 10 गेम प्ले खेलते हैं उसमें से यार एक अच्छा गेम प्ले जाता है, आप सभी को पता है, और कितनी मेहनत से एक गेम प्ले रिकॉर्ड होता है। तो बस यही सब है। और उस पर भी यार ये एक अपने कमीनापन कर रहे हैं, तो यार इससे तो अच्छे हैकर ही हैं। पबजी को जितना हैक किया जाए उतना अच्छा ही है यार, और ऐसी की तैसी यार पबजी की। तो इस तरह की यार ये कमी नहीं है। तो किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।